लोकसभा चुनाव के चलते ग्वालियर पुलिस सेक्शन मोड़ में आ गई है, जहां पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर गौशपुरा बीमा वाली गली किला गेट थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर और उनकी टीम ने दबिश देकर लाला उर्फ देवेंद्र यादव को भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा है, जिसमें तकरीबन करीब 55,000 रुपए की शराब, बियर, अंग्रेजी शराब की कई बोतल एवं देसी 5 पेटी पुलिस ने बरामद की है। वही आरोपी पर 34 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। सर, चुनाव आते ही शराब माफिया सक्रिय हो गए थे, आज आपने बड़ी कार्रवाई की है, किस प्रकार कार्रवाई करी है, कितनी चुनाव? आज शाम को ये जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, तो उस पर मैंने अपने रवानी डाली। मैं फोर्थ के रवाना हुए थे तो घोसपुरा गली में मुखबिर द्वारा बताया गया था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो एक पटिया की पास लड़का खड़ा हुआ था, वो दारू के रखा हुआ था, और उसको जैसे ही उसको पकड़ा, वो इधर भगने वाला था, तत्काल उसको पकड़ा और उसके पास करीबन 55,000 की दारू थी। ये दारू कहाँ से लेकर आया था, किस तरह से क्या कर रहा था, अभी इसके बारे में तो उसने बताया नहीं कहाँ से लेके आया है, बाकी उससे पूछताछ जांच जारी है। कोई आरोपी पकड़ा गया इसमें? आरोपी पकड़ लिया गया है, आरोपी के नाम है लल्ला उर्फ देवेंद्र यादव। किन दारों में मुकदमा है? उनका 34 अबकारी एक्ट में उसकी कार्रवाई की गई है। कितनी कीमत की दारू मतलब होगी? कीमत करीबन ये 55,000 के लगभग दारू की कीमत है।